सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स. ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हो गए? दोस कंपाउंड्स हैविंग अ रिंग ऑफ कार्बन एटम. इट मे बी बेंजीन, इट मे नॉट बी बेंजीन आल्सो. ओके, बट उसकी दो क्राइटेरिया रहती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की. नंबर एक, स्ट्रक्चर जो है उसका प्लानर होना चाहिए. नंबर टू, ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होने चाहिए. और नंबर थ्री, हकल रूल ओबे करना चाहिए. ये हम डिटेल में करेंगे जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स को पढ़ेंगे. नाउ फॉर टुडे हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं. एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो नॉमेनक्लेचर होती है उसको साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए के जैसे ही करते हैं, जैसे हम साइक्लिक कंपाउंड्स का हमने करा था वैसे ही करते हैं. बट इन दिस केस कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग IUPAC नेम के बजाय कॉमन नेम से बुलाना प्रेफर करते हैं. बिकॉज नंबर वन, दे आर इजियर एंड दोज आर द नेम्स व्हिच आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड. ओके, सो वी नीड टू नो देम. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी विल डू वन बाय वन. द फर्स्ट वन दैट इज बेंजीन. ये हमने सारे करे हैं. अगर दो रिंग्स हैं तो देन दिस इज नैप्थलीन. अगर तीन रिंग्स हैं तो दिस इज नोन एज एंथ्रेसीन. ठीक है, अब अगर हम इसकी पोजिशनिंग चेंज कर दें, दैट इज कि हमारे पास इस तरह से हम रिंग्स को प्लेस करें, तो इसे हम बुलाते हैं फिनैंथ्रीन. ठीक है, उसी तरह से अगर सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर CH3 प्रेजेंट है, देन दिस इज नोन एज टॉलीन. अगर दो CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट है, देन दिस इज नोन एज ऑर्थो ज़ाइलीन. ठीक है, अगर यही CH3 ग्रुप मेटा पोजिशन पे प्रेजेंट है तो इसे हम बुलाएंगे मेटाजाइलीन. ठीक है, अगर यही पैरा भी पोजिशन पे प्रेजेंट है देन दिस इज नोन एज पैराजाइलीन. ठीक है, इफ वी हैव OH group phenol, if we have both OH and CH3, इसे हम बुलाते हैं ऑर्थो क्रिसोल. और सिमिलर मैनर में जब ये शिफ्ट होते जाएंगे तो मेटा क्रिसोल यहां आ गया और पैरा क्रिसोल यहां आ गया. ठीक है, फिर अगर CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो दिस इज नोन एज बेंजेनडिहाइड. बेंजेनडिहाइड. ठीक है, अगर COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड. अगर COOH ग्रुप पैरा पोजिशन पे डाई है हमारे पास, जैसे ये आ गया COOH और ये आ गया COOH,
दो ग्रुप्स प्रेजेंट है तो इसे हम बुलाते हैं टर्थैलिक एसिड, ठीक है, देन इट इज नोन एज टर्थैलिक एसिड. अगर कीटोन प्रेजेंट है या एसिडाइल ग्रुप प्रेजेंट है COCH3 तो इसे हम बुला रहे हैं एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, राइट. अगर यहां पे मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम बुलाते हैं एनिसोल, और अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम बुला रहे हैं एनिलिन. सो दीज आर अ फ्यू कॉमन नेम्स जो कि हम यूज करते हैं. इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं जो कि हम चैप्टर के साथ साथ करते रहेंगे, ठीक. सो टुडे वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, और यू कैन से द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज C04, फोर्थ चैप्टर है ये आइसोमेरिज्म. Isomerism. What do you understand by the term isomerism? Isomerism क्या होता है कि there are certain compounds जिनका molecular formula same होता है पर उनकी physical और chemical properties जो है वो different होती है, right? अब वो जो physical और chemical properties अलग होगी, that is obviously due to different functional groups. अगर फंक्शनल ग्रुप्स अलग होंगे या उनका कार्बन चेन का अरेंजमेंट अलग होगा या जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उसकी अरेंजमेंट अलग होगी तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती है. सच मॉलिक्यूल्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर दे आर नोन एज आइसोमर्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज आइसोमेरिज्म. So isomers या isomerism हुआ क्या? It is the process of molecules having same molecular formula but different formula, right? That is known as isomerism. Isomerism दो तरह का होता है. The first type, which is known as structural or constitutional, structural or constitutional isomerism. स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट में फर्क हो सकता है. तो हम इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए बुलाते हैं कि जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो भी अलग हो सकते हैं, राइट. जैसे फंक्शनल ग्रुप एक में कुछ है और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप कुछ और है तो इसलिए हम उसको क्या बुला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म. Constitutional या structural isomerism पांच तरह का होता है, right? तो first one which we are going to do, that is known as chain isomerism. Chain isomerism क्या हुआ? In this case, the chain is going to be different. Molecular formula same है,
बट चेन जो है वो डिफरेंट हो जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है C4H10, राइट, दिस इज ब्यूटेन. सो ब्यूटेन जो है वो एग्जिस्ट करता है एज दिस एज ए नॉर्मल चेन. इसे हम क्या बुलाते हैं, एन ब्यूटेन, राइट. और इसकी चेन अलग हो सकती है एज दिस. इसका यूपीएसी नेम ब्यूटेन होगा, इसका यूपीएसी नेम 2-methyl propane होगा, ठीक है. या इसको अगर कॉमनली हम बुलाए तो इट इज नोन एज आइसोब्यूटेन, ठीक है. उसी तरह से एक मॉलिक्यूल ले रहे C5H12, पेंटेन कैन एग्जिस्ट इन अ स्ट्रेट चेन CH3, CH2, 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 CH3, ठीक है. दिस इज नॉर्मल पेंटेन, इसका आइसोमर बना लेते हैं 2-methyl butane. दिस इज नोन एज आइसोपेंटेन, 2-methyl butane isopentane, ठीक है. और अगर इसकी एक और हम ब्रांचिंग कर दें, तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. इसे हम बुलाते हैं नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, राइट. और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, 2,2-dimethyl propane. अब जब चेन आइसोमर्स बनते हैं तो क्योंकि ब्रांचिंग हो रही है तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये रहता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते चले जाते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है. अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी देयर माइट बी सम ऑल्टरेशन, ठीक है. अब अनदर थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते चले जाएंगे. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये वाला आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है. तो आप देखते हो कि ब्यूटेन 2 शो कर रहा है, फिर उसके बाद पेंटेन जो है वो 3 शो कर रहा है. तो जब हम हेक्सेन पे जाते हैं तो हेक्सेन 5 शो करता है, ठीक है. हेक्सेन के बाद हेप्टेन आ गया, हेप्टेन 9 शो करेगा, राइट. हेप्टेन के बाद आ गया ऑक्टेन, ऑक्टेन 18 शो करता है, 18 चेन आइसोमर्स, ठीक है. ऑक्टेन के बाद आ गया नॉनेन, नॉनेन 35 करता है, ठीक है. एंड द लास्ट वन व्हिच इज डेकेन, डेकेन 75 आइसोमर्स शो करता है, राइट. सो ये आपको याद रखना है 5, 9, 18, 35 and 75. अगर ऐसे याद नहीं रख सकते हो तो 5, 2, 10 करके याद रख लेना. नेक्स्ट जो उसका होमोलोगस सीरीज आ गया ना, हेक्सेन, हेप्टेन, 10-1, फिर 9, 2, 18, 18, 2, 36, 36-1, 35, 2, 70, + 5, 75. सो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो क्योंकि उसमें आप बनाने तो नहीं बैठोगे ना आइसोमर. अगर क्वेश्चन आ गया कि हेप्टेन के कितने चेन आइसोमर्स होते हैं तो बनाने तो नहीं बैठोगे, तो डेकेन से ज्यादा भी हमारे को आते हैं. So these numbers you have to memorize. ठीक? Second जो isomer आता है, that is known as position isomer. Position isomer में molecular formula same रहता है, पर atoms और group of atoms की position change हो जाती है, right? So in this case the position of atoms or group of atoms changes. इसमें पोजीशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की भी चेंज हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की भी चेंज हो सकती है और
सब्स्टिट्यूएंट की भी चेंज हो सकती है और साइड चेन की भी चेंज हो सकती है. जहां पे भी पोजीशन चेंज होगी उसको हम अंडर पोजीशन आइसोमर ही लेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH3CHCl CH2CH3. दिस इज 2 क्लोरो ब्यूटेन. अब क्लोरीन की अगर हम पोजीशन चेंज कर दें तो वी विल हैव CH2Cl CH2CH2 and CH3. This is known as 1-chlorobutane. ठीक है, क्लियर हो गया. सो दिस इज वॉट पोजिशन आइसोमर इज. तो पोजिशन आइसोमर्स में पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, पोजिशन ऑफ द साइड चेन, पोजिशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट और पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप माइट चेंज. ठीक है, then the third type of isomer which we are going to do, that is known as functional isomer. Structural isomer के अंदर ही कर रहे हैं सारे हम. The next one is third फंक्शनल आइसोमर. ओके, अब फंक्शनल आइसोमर में क्या होगा, द फंक्शनल ग्रुप दैट इज गोइंग टू चेंज. राइट, फंक्शनल ग्रुप जब चेंज होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अल्कोहल्स एंड ईथर्स दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. इन दिस केस फंक्शनल आइसोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन भी अलग होंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे. ठीक है, सो एल्कोहल्स एंड ईथर्स मतलब अगर सपोज हम ले रहे हैं ये एक कंपाउंड, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम, इथेनॉल. राइट, इसका जो फंक्शनल आइसोमर होगा दैट इज गोइंग टू बी मिथॉक्सीमीथेन. अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का देखो तो इसका 1,2,C2 आ गया, H3O5,6O और इसका भी सेम आ जाएगा C2H6O. सो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो अल्कोहल्स एंड ईथर्स दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं. उसी तरह से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. दिस इज प्रोपेनल, राइट, और इसका जो आइसोमर आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी प्रोपेनोन, प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन. ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे. क्लियर हो गया. नाउ फंक्शनल आइसोमर, आप एक छोटा सा इसमें टेबल बना लो. अगर हमारे पास फंक्शनल आइसोमर्स मतलब जनरल फॉर्मूला हमें दिया हुआ है CnH2n. ओके, अगर जनरल फॉर्मूला हमें दिया है CnH2n तो इसके जो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे दैट इज गोइंग टू बी एल्कीन एंड साइक्लो एल्कीन. ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज प्रोपीन. जनरल फॉर्मूला देखो, ये फॉलो करता है CnH2n. C कितने, 3 और H6 होने चाहिए, 3, 4, 5, 6 है. इसका जो फंक्शनल आइसोमर होगा दैट इज गोइंग टू बी साइक्लोप्रोपेन. देखो सेम मोलर फॉर्मूला आ रहा है ना.
C3H6, right? अगर हमारे पास है second CnH2n-2, अगर ये हमारा फॉर्मूला बनता है कंपाउंड का, तो इसके जो फंक्शनल आइसोमर्स होंगे दैट विल बी एल्काइन साइक्लोएल्कीन एंड एल्काडाइन राइट एल्काडाइन मीन्स इट हैज टू डबल बॉन्ड्स ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल हम जो टाइम ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 देखो सबसे पहले आपने कंसिडर करना है कि क्या ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है तो हमारे पास कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 6 सो बन रहा है ना C4H6 आ रहा है 2 4 8 -2 बन रहा है अब इसके जो आइसोमर बनेंगे दैट इज गोइंग टू बी साइक्लोएल्कीन तो साइक्लोएल्कीन का मतलब दिस साइक्लोब्यूटीन बनेगा इसका आइसोमर एक ठीक है और दूसरा आ गया एल्काडाइन एल्काडाइन मींस राइट सो ये तीनों इसके आइसोमर्स बन जाते हैं देन इफ वी हैव द फॉर्मूला CN थर्ड ये आपके शॉर्टकट्स हैं लर्न करने के लिए वहां पे तुम आइसोमर्स बना बना के ही देख सकते हैं ना सो ये आपने फॉर्मूला के बेसिस पे फिर देखना है कि उसके जनरली जो इसमें से क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इसके कितने आइसोमर्स होंगे राइट सो फंक्शनल आइसोमर्स जब हम कर रहे हैं तो वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इतने हो सकते हैं देन द नेक्स्ट इज CnH2n+2O सपोज हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया है तो इसके जो फंक्शनल आइसोमर्स हैं वो हमने ऑलरेडी कर लिए अल्कोहल एंड ethers. They will fall under this formula. Right? The next अगर हमें formula दिया है CnH2NO. CnH2NO तो इसका होगा aldehyde, ketone. ये भी हमने already कर लिए aldehyde and ketone. ठीक है फिर उसके बाद नंबर 5 अगर हमें दिया है CnH2NO2 ओके अगर हमें ये दिया है तो इसके बनेंगे जो आपके फंक्शनल आइसोमर्स वो लिख लो एसिड एस्टर कार्बोनाइल कंपाउंड्स एसिड एस्टर एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स राइट सो दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट कि कितने आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स एक गिवन कंपाउंड के बन सकते हैं द फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमर व्हिच वी आर गोइंग टू डू दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म 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 जो है वो उन फंक्शनल ग्रुप्स में होता है जो कि नॉन टर्मिनल होते हैं नॉन टर्मिनल भी वो वाले जो सेंटर में आते हैं ठीक है सेंटर में मतलब इन बिटवीन द कार्बन चेन सेंटर डज नॉट मीन कि दोनों साइड कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होने चाहिए दे कम इन बिटवीन द कार्बन चेन
ठीक है. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैन बी ईथर्स जो कि मेटामेरिज्म शो करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3, CH2, CH2, CH3. This is known as ethoxyethane. Ethoxyethane. अब ये जो ethoxyethane है, इसका मेटाबल क्या होगा? आप देख रहे हो कि इसमें ऑक्सीजन के इस साइड दो कार्बन एटम्स हैं और ऑक्सीजन के इस साइड भी दो कार्बन एटम्स हैं. ethoxyethane का जो आइसोमर हुआ उसमें शिफ्टिंग ऑफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप टेक्स प्लेस ऑन द अदर साइड. दिस इज नोन एज मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन. ठीक है. ईथर्स के बाद एस्टर्स भी ये वाला शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3, CH2, COO, CH3. हमने कहा था उस दिन की जो ऑक्सीजन के साथ लगा होता है एल्काइल ग्रुप उसको एज एन एल्काइल लेते हैं और बाकी को एज एन OH चेन लेते हैं. सो ये क्या आ जाएगा? मिथाइल प्रोपेनोइड, मिथाइल प्रोपेनोइड. ठीक है. अब यहां से कार्बन एटम उस साइड शिफ्ट कर देते हैं. सो हमारे पास आ जाएगा CH3, COO, CH2, CH3. Then this is known as ethyl ethanoid. ठीक है. The next ketones, ketones भी शो करेगा ये. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH3. दिस इज पेंटेन टू ओन. ओके. अगर हम इसको शिफ्ट कर दें देन दिस विल बिकम पेंटेन टू ओन, राइट. अब इसको जो कीटोन्स है स्पेसिफिकली इसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं विद पोजिशन आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर सॉरी जब फंक्शनल ग्रुप की पोजिशन चेंज होती है तो उसे हम पोजिशन आइसोमर भी बुलाते हैं. बट इन केस ऑफ कीटोन्स जब आपको ऑप्शंस मेटामेरिज्म भी उसमें दी गई होगी तो कीटोन को हम जो शिफ्टिंग है प्रेफरेबली हम उसको एज अ मेटामर लेते हैं एंड नॉट एज अ पोजिशन आइसोमर. इन केस आपको मेटामर की या मेटामेरिज्म की ऑप्शन नहीं दे रखी तब आपने पोजीशन इसको टिक करना है. ठीक है. पर अगर मेटामेरिज्म दे रखी होगी तो डेफिनेटली दिस विल ओनली कम अंडर मेटामेरिज्म, तब आप पोजीशन पोजीशन आइसोमेरिज्म को इग्नोर करोगे. ठीक है, समझ आ गया. देन द फिफ्थ वन दैट इज नोन एज टॉटोमेरिज्म. Arising due to
spontaneous interconversion arising due to spontaneous interconversion of two isomeric forms with different functional groups into one another. Okay. And this isomerism is considered as constitutional isomerism. Right? Isme do forms rehte hain. One which is known as the keto form. Is tarah se main CH3 group ko show kar rahi hu. This is the keto propanol. Right? Aur hum bol rahe hain ki isme kya ho raha hai? Simultaneous shifting of the pi electron and hydrogen. ठीक है? So जो इसका isomer बनेगा, that is going to be enol, en and ol together. ठीक है? So this is the keto and this is the enol. Now a few points which you have to write in this, you can write. Number one, tautomerism exists in dynamic equilibrium. Number two, the enolic form gives color with neutral FeCl3. Which is a test for enolic compounds. Also, it gives the bromine water test. Which is a test for unsaturation. ठीक है? So इसकी वजह से होता है. Now when we talking of enol, तो हम keto और enol में बोलते हैं कि always the enol is more stable. There are two reasons to this. So, likho first reason kya hai? Enol is more stable because it is conjugated. Or is resonantly stabilized. So we are taking over here a diketo जो कि enolic form में convert हो चुका है, ठीक है? So ये कैसे resonantly stabilized है, वो हम देखते हैं. इसके पास 6 electrons होंगे. And this is bonded to hydrogen. ठीक है? इसके पास 4 electrons होंगे. है ना? So जब हम resonance stabilization इसकी show करेंगे, तो then what is going to happen? ये वाला यहाँ shift हो जाएगा pi electron, sorry, the unpaired electron. और ये जो है, वो यहाँ shift हो जाएंगे. ठीक है? और जो oxygen वाला है that can be shifted ऊपर negative charge आ जाता है तो पहले इसको हम show करते हैं first resonating structure जो इसका बनेगा that is going to be CH3 C double bond O इसके ऊपर
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक, क्योंकि ये यहां से शिफ्ट हो रहा है, CH3। ठीक है, have you understood? So यहाँ से एक जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, तो इसकी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई, राइट? अब सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या आएगा? ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। So next resonating structure जो enolate form का बनता है, that is going to be CH3CO, right? With a negative charge, और ये negative charge यहाँ पे भी electrons की वजह से यहाँ पे भी आप ये negative charge show कर सकते हो, on this carbon atom, ठीक है? अब यहाँ पे double bond आ गया, CH3CO, इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज हम शो कर रहे हैं, पर हमको स्टेबलाइज करना है तो पॉजिटिव चार्ज हम कहां शो करेंगे फिर? ये तो स्टेबल नहीं ना, वहां नेगेटिवली चार्ज हो गया, न्यूट्रल होना चाहिए, तो इसको हमको पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे शो करेंगे क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। उसी तरह से यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पे आएगा, राइट? तो फर्स्ट जो इसकी कंडीशन होती है या हम रीजन दे रहे हैं कि व्हाई इट इज व्हाई द इनोल फॉर्म is more stabilized, that is because of resonance, and second it forms intramolecular hydrogen bonding. It forms intramolecular hydrogen bonding. तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में बन सकता है? ये वाला O और ये वाला H। सो हमारे पास ये आ गया CH3C डबल बॉन्ड O CH, फिर उसके बाद COH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज द इनोल फॉर्म, राइट? So, यहां पे हम बोलते हैं कि देर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दैट हाइड्रोजन, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो गया बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल्सो ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। सो इनोलिक फॉर्म इज मच स्टेबल देन द कीटो फॉर्म, हैव यू अंडरस्टूड? सो इसमें आपको कैसे स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं इस तरह के, इसमें आपको कीटो का भी आएगा और इनोल का भी आएगा, और पूछेंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, राइट? या इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हमने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में देखी है अभी तक, ओके? सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इसमें भी हो सकती है, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, चलो एक बार रिवाइज कर लो, यहीं तक करना है।